बिलासपुर में सत्य साई सेवा समिति द्वारा भगवान श्री सत्य साई का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की तथा महाराज की महिमा का गुणगान किया। यह शोभा यात्रा नगर के डियारा सेक्टर से शुरू होकर मुख्य बाजार रोड़ा सेक्टर की परिक्रमा करते हुए वापस डियारा सेक्टर पहुंची, जहां पर पीपल के पेड़ के नीचे सभी श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर श्री सत्य साई बाबा की आरती की और उसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर समिति के प्रधान उमेश गौतम ने बताया कि सत्य साई बाबा का जन्मदिन बिलासपुर में बड़ी ही श्रद्धा से मनाया गया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री सत्य साई बाबा का संदेश दुनिया में केवल प्रेम फैलाना है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म, सभी जातियां और सभी वर्ग ईश्वर की संतान हैं तथा सभी को आपस में प्रेम से रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सत्य साई बाबा जी के स्थान में जो जन्मोत्सव कार्यक्रम हुआ, ये बिलासपुर साई समिति द्वारा आज यहाँ शोभा यात्रा निकाली गई, जो हनुमान मंदिर से शुरू होकर यहाँ पर ही प्रांगण में समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में लोगों ने एक जो साई बाबा जी का एक मेन मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि सब धर्मों को एक समान मानना चाहिए हमें। सब धर्मों में, सब लोगों में, सब में आपसी भाईचारा होना चाहिए, सब एक साथ मिलकर चलना चाहिए, जिससे समाज और देश या प्रदेश या समाज का विकास हो। इसलिए बाबा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारा यही लक्ष्य है कि बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करें और इस मार्ग पर चलें सब। ओम साई राम। भगवान बाबा श्री सत्य साई बाबा जी का सर्व जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। आज इसकी शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से शुरू होते हुए मेन मार्केट रोड़ा होते हुए वापस यहीं पे अभी समापन हुआ। भगवान हमें ये बताते हैं कि सभी से प्रेम से रहें और सभी धर्म समान है, सब धर्मों का जो है सम्मान करना चाहिए।